हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कॉमर्स स्टूडियो। तो स्टूडेंट्स, आज हम जर्नल चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया था उसको आगे बढ़ाते हैं और आज हम सीखेंगे कुछ बैंकिंग ट्रांजैक्शंस, बैंकिंग जर्नल एंट्रीज कुछ होती है बच्चों, तो आज हम वो सीखेंगे। ठीक है, चलिए फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं। कभी भी अगर आप कैश विड्रॉ करते हो फ्रॉम बैंक बट फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए अगर बैंक से पैसा आप निकालते हो तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? उसकी जर्नल एंट्री होगी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बीइंग बच्चों यही है जो ऊपर मैं इसकी हेडिंग लिखवा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो बीइंग आपके लिए वही है और बाकी जर्नल एंट्रीज की मैं आपको बता रहा हूँ। फिर सेकंड, अगर हम कभी भी पेमेंट कर दें चेक से टू क्रेडिटर्स तो उसकी क्या जर्नल एंट्री पास होगी? तो उसकी जर्नल एंट्री होगी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक से पैसा जाएगा तो बैंक क्रेडिट, और क्यों जा रहा है? क्योंकि हम क्रेडिटर को पेमेंट कर रहे हैं, तो उसकी जर्नल एंट्री ये बनती है। ठीक है, थर्ड इसका, अगर कभी आप एक्सपेंस पेड कर दो तो एक्सपेंस पेड बाय बैंक, बैंक से ही मैंने कोई अपने एक्सपेंस थे वो पे कर दिए। एग्जांपल के तौर पे हम अगर इसका एग्जांपल लें तो आजकल जैसे हम ऑनलाइन किसी भी चीज़ का बिल पे करते हैं, तो अगर वैसा कोई एक्सपेंस पे कर रहे हैं तो उसकी एंट्री क्या होगी? एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बैंक से पैसा गया, क्यों? क्योंकि हमने कोई एक्सपेंस पे किया था। जैसे इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अगर आप पे करते हो तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, फोर्थ है इसमें, कभी कभी क्या होता है बच्चों, बैंक चार्जेस काट लेता है, डिडक्ट हो जाता है हमारे बैंक से, तो उस केस में क्या एंट्री होती है? अगर बैंक चार्जेस काटता है तो उसकी भी एंट्री यही होती है, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अभी तक अगर आपने ध्यान दिया होगा, इन सब केसेस में हमारे बैंक से पैसा कट रहा है तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा और ऊपर आ रहे हैं उसके रीज़न की वो पैसा क्यों कट रहा है। ठीक है, चलिए ये आप चार एंट्री नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको फिफ्थ एंट्री करवाता हूँ। ठीक है, तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फिफ्थ एंट्री क्या है? अगर कभी चेक या फिर ड्राफ्ट, वो भी चेक की तरह ही होता है, हमको रिसीव्ड हो जाए किसी डेटर से एंड हम उसको डिपॉजिट कर दें सेम डे पे बैंक में, यानी हुआ क्या, मुझे किसी अपने डेटर ने एक चेक लाके दिया और मैंने उसी दिन वो चेक बैंक में जाके डिपॉजिट कर दिया, तो इसकी क्या जर्नल एंट्री होगी? क्योंकि इस केस में मेरे बैंक में पैसा आ जाएगा तो बैंक डेबिट टू, ये बैंक डेबिट क्यों हो रहा है, यानी बैंक में पैसा क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि मुझे किसी डेटर ने पैसा दिया है, तो टू डेटर अकाउंट। क्लियर है फिफ्थ एंट्री भी? ठीक है, चलिए सिक्स्थ देखते हैं। सिक्स्थ बच्चों, चेक और ड्राफ्ट आपको रिसीव्ड होता है फ्रॉम अ डेटर बट नॉट डिपॉजिटेड ऑन द सेम डे, यानी कि
आपको चेक रिसीव तो हुआ लेकिन आपने उसको सेम डे डिपॉजिट नहीं किया, तो इसकी क्या एंट्री होती है बच्चों? तो इसकी एंट्री आपको करनी पड़ती है चेक इन हैंड या फिर कैश, इनमें से आप कुछ भी देख सकते हो, अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। ये किस चीज़ की एंट्री है? तो ये उस चीज़ की एंट्री है कि आपको चेक मिल गया, आपके पास है चेक इन हैंड, तो ये उस चीज़ की है। लेकिन जब ये वाला चेक आप डिपॉजिट कर दोगे बैंक में, तो फिर आपको उस टाइम पे एक और एंट्री करनी पड़ती है, वो होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट। ठीक है, यानी ये दो एंट्री करनी पड़ती है इस केस में अगर हम सेम डे पे चेक डिपॉजिट नहीं करते तो। इन दोनों पे आप इम्पॉर्टेंट मार्क कर लेना, ये आपको आगे पूछेंगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी बच्चों हम क्या कर रहे हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट एंट्रीज जो हैं जो इस चैप्टर में बार बार रीयूज़ होगी, हर क्वेश्चन में आएगी, उनको हम पहले नोट डाउन कर रहे हैं और आपको होमवर्क में उन्हीं को रिवाइज़ करना है। और इसके बाद हम एक सीरीज़ जब लेके आएंगे इसकी, यानी जब हम अपने कॉन्सेप्ट वाइज सारी एंट्रीज़ ख़त्म कर लेंगे, तो फिर हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और उस क्वेश्चन में जो भी जनरल एंट्रीज़ वो पूछेगा, तो आपको पता चलेगा कि वो सारी जनरल एंट्रीज़ हमने पहले से ही रिकॉर्ड कर रखी है। ठीक है, चलिए ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, चलिए तो हम करते हैं सेवन्थ एंट्री। अगर कभी कभी बच्चों आपका चेक डिशोनर हो जाए, चेक डिशोनर का मतलब होता है कि आपको चेक मिला या आपने किसी को चेक दिया लेकिन उसकी पेमेंट नहीं हुई, ऐसे केस को बोलते हैं चेक डिशोनर हो जाना। तो इसकी एंट्री होती है जिसने भी आपको चेक दिया था वो डेबिट हो जाएगा, यानी डेटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, आपके बैंक से पैसे कम हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है। एट्थ, कभी कभी क्या होता है, इंटरेस्ट चार्ज कर लेता है बैंक, इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक। तो अगर इंटरेस्ट चार्ज कर लेगा तो बच्चों ये सेम वही एंट्री होती है जैसा हमने अभी देखा था, जब बैंक चार्जेस काटता है तो उसकी एंट्री क्या करी थी हमने, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ऐसे ही अगर वो इंटरेस्ट काटेगा तो क्या एंट्री होगी, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्लियर है? ठीक है, नाइन्थ एंट्री है। कभी कभी बच्चों आपको होगा कि इंटरेस्ट रिसीव हो जाएगा, इंटरेस्ट रिसीव बाय बैंक, आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो ऐसे केस में क्या एंट्री होती है, आपका बैंक बढ़ जाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू इंटरेस्ट अकाउंट, क्योंकि मेरे बैंक में इंटरेस्ट की वजह से पैसे बढ़ गए तो बैंक डेबिट हो जाएगा, और जिस वजह से बढ़े वो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। टेंथ एंट्री है इसकी, कभी कभी क्या होता है, बैंक से लोन लिया हुआ होता है तो बैंक लोन पेड बाय कैश या फिर थ्रू चेक, यानी बैंक लोन कभी कभी हम कैश में पे करेंगे या फिर चेक से पे करेंगे। तो इसकी क्या एंट्री बनेगी, इसकी एंट्री बनेगी बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू कैश, अगर हम कैश में पे करते हैं, और अगर चेक से पे करते हैं तो टू बैंक अकाउंट। ठीक है, तो ये कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 बैंकिंग ट्रांजैक्शंस जो हम करते हैं उस टाइप की जो एंट्रीज होती हैं वो थी। आप इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं क्योंकि आपके एग्ज़ाम में इनसे पूछा जाएगा। जो आज मैंने आपको 10 एंट्रीज कराई, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंट्री है आपकी, आपको इसको रिवाइज करना है। ठीक है, ऐसे ही बच्चों कुछ छोटे मोटे कॉन्सेप्ट और हैं जो कि मैं जल्दी ख़त्म करा के फिर हम इस चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है,
तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही। ये 10 जर्नल एंट्रीज आपको होमवर्क में रिवाइज करनी है, और पहले जो जो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है वो सब आपको रिवाइज करना है। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू बच्चों।